आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। दंगा और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए गोरखपुर पुलिस ने एक रिहर्सल करवाया। दंगा नियंत्रण रिहर्सल की पुलिस कप्तान ने खुद कमान संभाली। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को गोरखपुर में हुई हिंसक घटना के बाद पुलिस जागी है, लिहाजा गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता अपने माथहतों को मॉक ड्रिल में खुद ट्रेन कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 20 दिसंबर को हुई घटना के दौरान गोले छोड़ने वाले पुलिसकर्मी काफी देर तक अनुभव और प्रैक्टिस के अभाव में एक दूसरे का मुंह ताकते रहे थे और किसी भी किस्म की अब स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। यदि कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा या धारा 144 का उल्लंघन करेगा, गोरखपुर पुलिस उसके लिए बहुत सख्ती से पेश आएगी और हम किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। सर, कितने की संख्या में अतिरिक्त बंदन लगाया जा रहा है, इसके लिए क्या बाहर से कुछ फोर्स मंगाई गई? जी बिल्कुल, कई कंपनी फोर्स आया है और इसमें पैरामिलिट्री भी आई हुई है और इस समय हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम अगले कुछ दिनों में गोरखपुर को पूरी तरह से शांति व्यवस्था में कोई खलल ना पैदा हो। मेरठ में एक बार फिर आग ने अपना तांडव मचाया। पूरा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, जहां एक पेपर गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम में रखा कई लाख का माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद तकरीबन आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन कई घंटे तक आग बुझाने के लिए जूझते रहे। महोबा के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र स्थित सुंगीरा गांव में 500 साल पुराने मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। देर रात मंदिर का ताला तोड़कर चोर राम जानकी और कृष्ण की अष्ट धातु से बनी मूर्तियां चुरा कर ली गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। वहीं चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। चोरी हुई सालों पुरानी मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। बरेली के बहेड़ी में टायर फटने से कार पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार के अंदर गौवंशीय पशुओं को वध करने के लिए ले जाया जा रहा था। हादसे में दो पशुओं की मौत हो गई, जबकि तीन पशु घायल हुए हैं। वहीं पशु तस्कर कार लेकर फरार हो गए। फिलहाल मृत पशुओं को जमीन में दफना दिया गया था। ललितपुर के महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने अपना बलिदान सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए दिया था। इस दौरान कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कासगंज के सिटपुरा कस्बे में अनुभूति सेवा समिति की ओर से गरीब और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए गए। यह आयोजन आईजी अंशुमान यादव और समिति के संरक्षक किरण यादव ने अपनी मां उर्मिला यादव की स्मृति में आयोजित किया था। इस दौरान कहा गया कि समिति की ओर से जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती रहेगी। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में सपा पार्षद ने अपने भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित बुरी तरह घायल हुआ है। इतना ही नहीं, आरोपी पार्षद ने घायल की पत्नी को भी बुरी तरह लात घूंसों से पीटा। पीड़ित ने बताया कि उसका पार्षद भाई माँ बाप की मौत के बाद मकान पर कब्जा करना चाहता है, जिसके चलते उसके साथ मारपीट की गई। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने पार्टी प्रमुख और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला खुद 11 महकमे लेकर चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे विधायकों की अनदेखी के चलते काफी नाराजगी है। आज कुछ नहीं हुई, समझौता हो गया रिश्तेदार का आपस में, हम के करा पहले कर लेंगे। हमारे इलेक्शन से पहले तो बहुत बढ़िया था, चर्चाएं देगा आप मंत्रिमंडल में। मंत्री की कोई खास बात नहीं है, दूसरी पार्टी में जाने का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, मंत्री की कोई विशेष बात नहीं है। सवाल तो ये है कि जो लोग आपस में पहले तो दुश्मन थे, फंडा है अगलों का जबरदस्त फंडा है। किसी जमाने में यहाँ से भी बने इनके बड़े नेता राजस्थान में एक बड़े नेता को खा गए। यहाँ से बढ़ना क्या काफी नहीं था? वहां जाके हिंदुस्तान का बड़ा नेता था वो जिसको खा गए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद स्थित शरीफगढ़ गांव में बालाजी मंदिर और गौशाला का भूमि पूजन किया गया, जिसमें शाहबाद विधायक रामकरण काला शिरकत करने पहुंचे। मंदिर और गौशाला भूमि पूजन के बाद विधायक ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात कर चुके हैं और जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।